News18, India. नोएडा में सांपों के जहर के मामले को लेकर एक बार फिर गहमागहमी बढ़ चुकी है। नोएडा में सेक्टर 49 थाने में नवंबर में एक ऐसा मामला आया था जिसने नोएडा समेत दिल्ली NCR को हैरानी में डाल दिया था। दरअसल एक सांपों का एक पूरा कुनबा पकड़ा गया था और इसे गिरफ्तार करने में नोएडा सेक्टर 49 की थाना पुलिस ने बड़ी भूमिका निभाई थी और ये कहा जा रहा था कि उनके पास से कुछ सांपों का जहर बरामद हुआ है, जिसकी जांच के लिए उस जहर को जयपुर के FSL में भेजा गया था। अब वो रिपोर्ट आ गई है और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कहानी ये थी, क्योंकि एक फेमस यूट्यूबर को इसमें उसका नाम इसमें शामिल किया गया था जो आरोपी थे, जिनमें राहुल नाम का जो शख्स था उसने ये बताया था कि फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एल्विश यादव से भी पूछताछ की थी लेकिन कोई सबूत ऐसे सामने नहीं आ पाए थे। अब ऐसे में ये रिपोर्ट एक बार फिर पुलिस के पास इसकी कॉपी आ गई है। पुलिस का कहना है कि इस कॉपी को वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद रीड करके ही कुछ कंक्लूजन में पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जो अब तक रिपोर्ट जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा था कि उसे जयपुर के FSL में भेजा जाएगा, अब वो रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो जहर जो रिपोर्ट के लिए भेजा गया था कि ये पता किया जाए कि ये किसका जहर है। तो ये तो साफ हो गया है कि सूत्र बता रहे हैं कि ये जहर सांपों का है और कोबरा जाति या जो करस प्रजाति होती है उसका ये जहर बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। अब ऐसे में एक बार फिर जांच का दायरा उन सभी 5 सपेरों के ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि जिसमें राहुल भी है। लेकिन एल्विश यादव का नाम अभी भी इसलिए इसमें सामने नहीं आ रहा है क्योंकि एल्विश यादव की भूमिका यहाँ पर कहीं से भी लिंक नहीं हो पा रही और इसी वजह से अब तक एल्विश यादव से पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई थी। सिर्फ एक बार पुलिस ने पूछताछ की थी उसी दौरान नवंबर में, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं निकला था, जिसके बाद एल्विश यादव ने ये भी कहा था कि एक वीडियो जारी किया था कि ये सभी आरोप जो है वो भ्रामक है, तथ्यहीन है। और इसके बाद से ही लगातार नोएडा पुलिस इस केस को काफ़ी संजीदगी से ले रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नोएडा में जितनी भी रेव पार्टियां होती है, रेव पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल होता है, उसके साथ ही वहां पर सपेरों को बुलाया जाता है और इसी वजह से एक पार्टी जो करवाई गई थी जिसके ऑर्गेनाइजर जो उस एल्विश यादव के काफ़ी नज़दीकी थे उनका नाम आया था। और उसके बाद इन सपेरों ने पुलिस को पूछताछ में ये बताया था कि उन्हें बुलाया गया था बाकायदा वहां पर और सांपों का जहर भी मंगवाया गया था, और इसी सांपों के जहर को लेकर पुलिस ने जो बरामदगी की थी उसमें सांपों का जहर भी बरामद हुआ था। और वो रेड इसलिए की गई थी क्योंकि वो एक 5-स्टार होटल की तरह वहाँ पर जो नोएडा के कुछ होटल्स थे उनमें सप्लाई की जानी थी, और ये जो सांपों का जहर बरामद हुआ ये काफ़ी चौंकाने वाला था क्योंकि रेव पार्टियों में नोएडा में सांपों का जहर इस्तेमाल होता है। जो सपेरे थे उन्होंने एल्विश यादव का नाम लिया था, लेकिन एल्विश यादव के खिलाफ अब तक कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिल पाए। लेकिन अब जबकि ये रिपोर्ट जो आई है, ये रिपोर्ट कहाँ तक एल्विश यादव को कटघरे में खड़ा करती है ये अभी देखना होगा। लेकिन पुलिस अभी भी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि जो कुछ हुआ, जो कुछ भी अब तक सामने आया है जांच में, वो सब आधार बनाकर जांच की जा रही है। लेकिन अभी भी जो यूट्यूबर एल्विश यादव है, क्या उनसे पूछताछ होगी या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि पुलिस तब तक उनसे पूछताछ नहीं करेगी जब तक ठोस सबूत उनके खिलाफ नहीं होता, क्योंकि ऐसे ही नाम लेने से हर कोई जांच के दायरे में आ तो जाता है, लेकिन जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाते तब तक उसके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। और यही वजह है कि इस पूरे कांड में भी यहाँ पर एल्विश यादव का नाम लिया गया था, लेकिन अब FSL की रिपोर्ट आने के बाद क्या पुलिस एल्विश यादव से पूछताछ करेगी ये देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर 500 सपेरों को यहाँ पर एक बार पुलिस फिर पूछताछ के लिए लेगी, क्योंकि जो सांपों का जहर है वो कोबरा प्रजाति का बताया जा रहा है और कोबरा की करैत प्रजाति जो होती है उसका जहर बताया गया है। तो अब तक जो कुछ हुआ, ये करैत प्रजाति का जो जहर है ये कहाँ कहाँ किस किस पार्टियों में सप्लाई किया गया, अब तक कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या एल्विश यादव की इसमें भूमिका क्या है, इस पूरे मामले पर अब नोएडा पुलिस एक बार फिर जांच में जुट गई है।